केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की योजना की है। इस योजना के बारे में दक्षिण रेलवे रेल प्रबंधक ने विस्तृत जानकारी दी है। प्रबंधक ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा के लिए रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों में मिली बेसिक सैलरी के औसत के 50% की व्यवस्था की गई है। कम से कम 10 साल तक की सर्विस के लिए यह अनुपातित होगा। इसके तहत सरकारी कर्मचारी के निधन से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60% की व्यवस्था की गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10 वर्ष की सर्विस के बाद रिटायरमेंट पर ₹10,000 हर महीने की बात की गई है। केंद्रीय सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसका घोषणा की है। ये जो स्कीम जो है 1/4/2025 से लागू होगा। इसमें क्या है कि सब ये जो सरकारी कर्मचारियों को इसमें अश्योर्ड पेंशन मिलेगा 50%। जो इसका 5 पिलर है, कल जो है कि मिनिस्टर साहब ने भी विस्तार में बताया है, इसमें 5 पिलर्स है। पहला जो है कि इनका इस स्कीम में जो है कि अश्योर पेंशन मिलेगा विच विल बी 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है उसके पिछले 12 महीने का एवरेज पे का 50% जो है ये जो है एवरेज पेंशन है। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। इसके अलावा जो है ये जो फैमिली पेंशन जो है 60% ऑफ पेंशन जो है एकदम अश्योर्ड है। सपोज कर्मचारी को कुछ हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ हो जाता है, जैसा फैमिली पेंशन होता है उनका, फैमिली को जो है 60% जो है उनको फैमिली पेंशन मिलेगा। और ये स्कीम में मिनिमम पेंशन जो है कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।